नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देखिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देखिया, और एक ऐसी सीरीज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डोज मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ। एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में आ चुका है, या फिर इसके उसके ऊपर उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मैं बना के लाता हूँ, और ठीक है, और उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन लॉजिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रोवाइड करता हूँ मात्र 5 से 6 मिनट के सेशन में। ठीक है, तो ये जो सेशन है 4D सीरीज, ये डेली आपको सुबह दोपहर को 12 बजे मिलता है इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो याद करने से। ठीक है, तो जैसे आप डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक याद करते हो तो आप कई बच्चों से आगे निकल जाते हो जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका फायदा होता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा और डेली आप एक क्वेश्चन याद करोगे। ठीक है, और इसमें मैथ्स के टॉपिक से, चाहे वो एरिथमेटिक हो चाहे एडवांस मैथ हो, दोनों तो भाग से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ इसमें। ठीक है, तो जो आज का अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एवरेज टॉपिक से लेके आया हूँ मैं। ठीक है, एवरेज टॉपिक आपने सुना होगा पहले, कहीं पढ़ा भी होगा कि कैसे इनके कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ठीक है, तो एवरेज हम आज एक क्वेश्चन करेंगे जो आप बोर्ड पर देख सकते हो कि फाइंड द एवरेज ऑफ 595, 591, 596, 590 एंड 598। ठीक है, तो इनका औसत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो हम इनका औसत कैसे निकालेंगे वो अभी आप देखेंगे कि हम इनको शॉर्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो नॉर्मल तरीके से हम क्या करते हैं, क्योंकि जो एवरेज होता है, जो एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज का एक तो होता है कि सम ऑफ टोटल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर्स, तो यानी कि योग, जो संख्या है, संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का कितनी संख्या है वो जब डिवाइड करते हैं तो हमको इससे एवरेज मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी क्रमागत संख्याओं का योग, तो क्रमागत संख्याओं का एवरेज, तो अगर आपको बोलेंगे कि पहली दो जो इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, उनका ये क्या होगा, एवरेज क्या होगा पहले पांच का। ठीक है, तो ये क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि होल नंबर्स, फर्स्ट फाइव होल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव होल नंबर्स, तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इसका जो ये है, ये मिड टर्म को हम एवरेज मान लेते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप, तो जो नॉर्मल जो एक अपना तरीका होता है वो क्या होता है, 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 5, 15 होता है, और 15 को 5 से डिवाइड करते हो तो 3 आता है। लेकिन अगर हमको पता है कि ये मिड टर्म वैल्यू होती है कभी भी, ठीक है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो 3 है उसका एवरेज है। ठीक है, और अगर आपको बोलेंगे कि किसी भी क्रमागत 4 ऑड नंबर्स, या बोलेंगे अपना इवन नंबर्स, तो सम संख्याओं का योग बोलेंगे कि किसी भी क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 16 है, ठीक है, किसी भी सम 5 सम संख्याओं का, क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग है, तो हम क्या करेंगे, ये क्रमागत 5 संख्या है, ठीक है, और उनका एक देंगे कि उनका जो एवरेज है वो 16 है, तो वो संख्या क्या है, तो अगर आप यहाँ 16 लिखोगे और अगर सम बोला है तो यहाँ पर आपको विषम नहीं लिखना है, 16 की जगह पे 14 आएगा और इधर आएगा 12 और 16 के बाद 18 और 20, तो ये संख्या आ जाएगी, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑड की बोलेंगे तो ऑड में आएगा, इवन की बोलेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 590, ये है 5 संख्या दी उनको, 595, 591, ठीक है, 590, 595, 591, 596, 590, 598। अब देखो यहां पर न तो संख्या बराबर दूरी पे है, यानी कि गैप भी ना अलग अलग है, उसके बाद संख्या भी आगे पीछे, जैसे यहाँ 90 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो ये मिक्स है। अब इनका एवरेज पूछा है हमसे कि इस संख्या का, इन संख्या का एवरेज क्या होगा,
तो देखो हम इसका कैसे निकालेंगे। एक तो ये है कि इनका सबका टोटल करो और उसके बाद इनको 5 से डिवाइड करो, तो इसमें लगेगा आपको टाइम, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये सीक्वेंस में भी नहीं है तो वो हम ट्रिक यहाँ पर लगा नहीं सकते। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसमें ढूंढो सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर जो होगा वो कॉमन नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर 95 है, 91, 96 और ये 90। तो यहाँ पर क्या है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है आपको, ठीक है। स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉमन, ठीक है। यानी कि 590 तो सब में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 590 से सब बड़े हैं, तो एवरेज तो 590 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आप क्या करो, देखो ये कितना ज्यादा है 590 से, 590 से ये 5 ज्यादा है, इसका प्लस करो, ये 1 ज्यादा है, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, और ये 0 है तो इसका तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद 8 ज्यादा है, ठीक है। तो आपके पास कितने आ गए, 5 और 1 6, 6 6 12 और 8 20, यानी कि आपको आगे टोटल नंबर 20, और 20 को डिवाइड करोगे आप 5 से, तो इसका एवरेज क्या आएगा, 4। तो आप इस 590 में क्या करो, इस 4 को ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर वो क्या हो जाएगा, 594 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू जैसे हमने 590 को साइड कर दिया, उसके बाद 590 से जितनी भी संख्याएं ज्यादा है सारी संख्याओं में, उनको अलग निकाल के उनको टोटल करो और उनका फट से एवरेज निकाल दो, ताकि आपका कैलकुलेशन उससे कम हो जाएगा और जल्दी से आप एवरेज निकाल पाओगे, ठीक है। 595 में 59 से 5 जीरो है, 591 में 1 ज्यादा है, 96 में 6 ज्यादा है, और 98 में 8 ज्यादा है, 0 में तो ऑलरेडी वो 0 ही है, ठीक है। तो टोटल इनका योग बनता है 20, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा 4। यहाँ ये मत देखो कि ये 4 लिखा और हमने 5 से क्यों डिवाइड किया, हमको इसको भी कैलकुलेट करना है, 0 हमको 5 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 594, 0 में 4 ऐड करोगे तो आपका 594 आ जाएगा। और आप देख सकते हो जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है, इसे हम आसानी से ऐसे नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं, जो कि नंबर आगे पीछे और कम ज्यादा कैसे भी हो तो उनका आसानी से हम वो निकाल सकते हैं एवरेज, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। थैंक यू।